देन हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो इससे पहले, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ वीएस कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ ऑपरेटर js.html नाम से। एंड यहाँ पर अपनी जो बॉयलरप्लेट है उसको मैं डाल के लिख देता हूँ अपना जो टाइटल है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। एंड इसके अंदर मैं एक h1 भी डाल देता हूँ जिससे हम लोगों को दिखना चाहिए। एंड इसको हम लोग कॉपी कर देंगे एंड इस h1 में पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे एंड इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं ऑपरेटर्स को। मैं एक कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट बेसिकली क्या होता है कि ये जावास्क्रिप्ट में रन नहीं होता है, ये सिर्फ रीड के लिए होता है, रीड करने के लिए होता है। बेसिकली ये जो लाइन है, अगर हम लोगों ने कमेंट कर दी तो वो ब्राउजर पे रन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग डबल स्लैश लगा के जो अपना कमेंट है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोगों को अगर ऑपरेशन कराना है तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग ऑपरेटर से करते हैं। अब जैसे हम लोगों को दो नंबर को ऐड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है या फिर कंपेयर करना है, तो ये जितना हम लोग वर्क करेंगे ये ऑपरेटर्स के थ्रू करेंगे। तो इसीलिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक वेरिएबल बना लेते हैं 10 एंड लेट बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोगों को इनको ऐड करना है तो हम लोगों को a प्लस बी लिखना पड़ेगा तभी ये ऐड होगा। एंड यहाँ पर हम लोग इसको किसी वेरिएबल में भी असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने असाइन किया, यहाँ पर a एक वेरिएबल लिया, b एक वेरिएबल लिया एंड इस पे हम लोगों ने एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया प्लस ऑपरेटर यूज करके एंड c में उसको असाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो ऑपरेटर्स आए, एक है प्लस एंड एक है इक्वल टू। तो प्लस क्या कर रहा है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो ऐड कर रहा है दो नंबर्स को एंड सी जो हमारा इक्वल टू है वो क्या कर रहा है, इस नंबर को या फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो सी में असाइन कर रहा है ये इक्वल टू। इसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये लाइन लिखी है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन होती है, इसे हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। एंड इसमें जो ये हम लोगों ने यूज किया है इसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं एंड जो हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पे लिखा है ये ऑपरेंड होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑपरेंड एंड ये ऑपरेटर एंड इस पूरे को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको कमेंट करते हैं, इसका हम कोई काम नहीं। एंड यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, जितने ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक मैं उनको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस एंड एक होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए जो लैंग्वेज में यूज होती है वो एस्टरिक यूज होता है एंड उसके बाद मैं डिवाइड एंड कॉमा लगाता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशिएशन एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग इसको कमेंट करते हैं जिससे ये यहाँ पे एरर ना दिखाए। तो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी करें तो ये बेसिकली ऐड करेगा दो नंबर्स को एंड a माइनस बी करें तो ये माइनस करेगा दो नंबर्स को। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे दिखाता हूँ एंड यहाँ पे अगर हम लोगों को दो चीजें दिखानी है तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग a प्लस बी यहाँ पे लिखता हूँ एंड एक कॉमा लगाता हूँ एंड उसके बाद यहाँ a प्लस बी करता हूँ एंड इसको अपने लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ जिससे ये हम लोगों को दिखना चाहिए एंड कंसोल में ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो a प्लस बी इक्वल टू 15 आया। बेसिकली हम लोगों ने a की वैल्यू 10 दी थी एंड b की वैल्यू 5 दी थी तो यहाँ पर 15 प्रिंट होके आया। एंड इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ चारों माइनस एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड। तो आप लोग देखो ये इसका ये आंसर आया है एंड इसको आप लोग समझ सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। एंड उसी तरीके से यहाँ पे होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है a की वैल्यू 10 थी एंड b की वैल्यू 5 थी
तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया है, सिंपल है। एंड इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक्सपोनेंशिएशन को। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग डबल मल्टीप्लाई यानी डबल एस्ट्रिक से लिखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। एंड यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा ए है उस पे उसकी जो पावर होगी वो यहाँ पे बी हो जाएगी। यानी कि हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे एक साइन लगा देता हूँ, एंड कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है एंड बी की वैल्यू 5 होती है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 बार। तो इसी तरीके से यहाँ पे है ए की पावर बी होगा एंड इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो 1 लाख प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली 10 की पावर 15 हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली 10 की पावर 5 हो गया है, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रहा है। मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, तो आप लोग देखना 2 की पावर 5 32 होता है। एंड यहाँ पर मैं अगर 6 करूँ तो आप लोग देखो 64 आ रहा है। तो बेसिकली जो हमारा पावर है उसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। एंड अब हम लोग समझते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को। मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ एंड इसके अंदर मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस प्लस करेंगे। एंड यहाँ पे देखना मैं इनको क्या करता हूँ, मैं एक कमेंट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू 10 आया, तो बेसिकली हम लोगों ने ए की जो वैल्यू दी थी वो 10 दी थी। एंड यहाँ पे जो प्रिंट होके आया है वो भी 10 आया है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है हम लोगों को, तो मैं एक चीज और करता हूँ, इसको एक बार और प्रिंट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 11 प्रिंट होके आई है। अब ये 11 क्यों आई है एंड यहाँ पे 10 क्यों आई है, तो यहाँ पे बेसिकली जो प्लस प्लस है वो वैल्यू को एक बढ़ाता है, एक इंक्रीमेंट करता है। अगर ए है, अगर कोई वैल्यू 10 है तो उसको 11 कर देगा एंड 15 है तो 16 कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जो हमारा ए है उसमें ये प्लस प्लस ऑपरेटर लगा है, तो ये जो ऑपरेटर है उसको हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैं आप लोगों को बताता हूं। जो ए थी, ए में हम लोगों ने 10 लिखा था, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने प्लस प्लस किया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे क्यों प्रिंट नहीं हुई है तो मैं आप लोगों को ये भी बताता हूं। जो ए था, ठीक है, ए में 10 था, जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो क्या करता है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो उसको पहले असाइन कर देगा एंड उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर 10 था ए में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन हो गई ए में एंड उसके बाद प्लस प्लस हुई यानी कि इंक्रीमेंट हुई। तो इसीलिए यहाँ पे 10 प्रिंट होके आया है। एंड जो यहाँ पे एक बार इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, तो ए में जब असाइन हो गई उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। तो ऐसे हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट को समझ सकते हैं। एंड इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, जो हमारा प्री इंक्रीमेंट है उसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मैं प्लस प्लस ही करता हूँ। एंड जो हमारा ये है इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे देखो 12 प्रिंट होके आ रहा है, यहाँ पर भी 12 प्रिंट होके आ रहा है। तो बेसिकली जो हमारा प्री इंक्रीमेंट है वो क्या करता है, देखो पोस्ट इंक्रीमेंट पहले ही वैल्यू असाइन कर दे रहा है, उसके बाद वो एक इंक्रीमेंट कर रहा था। लेकिन जो हमारा प्री इंक्रीमेंट है उसमें क्या करता है, ये प्लस प्लस पहले लगता है वैल्यू के, इसलिए ये एक वैल्यू बढ़ा देता है ए की एंड उसके बाद ए में असाइन कर देता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो 11 आई थी एंड उसके बाद ए में एक इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे 12 कर दिया एंड उसके बाद ए में असाइन कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों को 12 प्रिंट होके आ रहा है। मैं एक बार और समझाता हूँ, जो पोस्ट इंक्रीमेंट करता है उसमें जिस ऑपरेटर पे, जिस ऑपरेंड पे, बेसिकली इसको ऑपरेंड बोलते हैं, तो जिस ऑपरेंड पे इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो वहां पर उसमें वैल्यू वही असाइन हो जाएगी उसके बाद वो इंक्रीमेंट होती है। एंड जो प्री इंक्रीमेंट होता है उसमें एक इंक्रीमेंट होने के बाद उस ऑपरेंड में वैल्यू असाइन होगी। यानी कि यहां पर अगर 11 था, 10 था, तो एक इंक्रीमेंट हुई लेकिन यहाँ पर 10 ही असाइन रही। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर 11 था, यहाँ पे जो 11 था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 11 था उसमें एक इंक्रीमेंट हो गई, उसके बाद ए में यहाँ पे स्टोर हो गई, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को 12 दिख रहा है एंड यहाँ पर भी 12 दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो मैं इनको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर क्या करूंगा, मैं वी की वैल्यू को टारगेट करूंगा एंड इसमें डिक्रीमेंट लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं अगर यहाँ पे केवल बी लिखूं तो आप लोग देखो 5 यहाँ पे प्रिंट होके आया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
माइनस माइनस लगाता हूं तो आप लोग देखो अभी ये 5 प्रिंट होके आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे v को प्रिंट करूं तो अब आप लोग देखो यहाँ पे v की वैल्यू 4 आई है। तो बेसिकली ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है इसी तरीके से काम करता है, एंड इसको भी हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। एंड यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसको भी मैं लिख रहा हूँ 4, एंड इसकी जो वैल्यू है वो 5 है, एंड अब इसको प्रिंट करने पे माइनस माइनस करने पे ये 4 आ रही है। एंड इसी तरीके से होता है अपना प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं प्री डिक्रीमेंट लिखता हूँ, एंड प्री डिक्रीमेंट करने के लिए हम लोग माइनस माइनस पहले लगाते हैं बी के। तो आप लोग यहाँ पे देखो 3 प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बी है मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट है वो वैल्यू को पहले असाइन कर दे रहा है, उसके बाद उसमें माइनस माइनस ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, इससे इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। एंड यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट में पहले ही वैल्यू डिक्रीमेंट हो जा रही है, उसके बाद बी में असाइन हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझा, जिसमें हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मॉडुलो ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशिएशंस को समझा कि कैसे ये जो हमारे ऑपरेटर है काम करते हैं, यानी जो प्लस है वो ऐड करता है, माइनस है सब्सट्रैक्ट करता है, एंड जो एस्ट्रिक है वो मल्टीप्लाई करता है एंड ये डिवाइड करता है, एंड इन सभी ऑपरेटर्स को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, इनको मैं करता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, लेट ए, इसमें हम लोग ए हम ऊपर ले चुके हैं, मैं एक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि वैल्यू को असाइन करता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो जो हम लोगों ने लेट लिया है वो एक कीवर्ड है, एंड एक्स है वो एक वेरिएबल है, एंड 5 एक वैल्यू है, एंड ये जो हमारा इक्वल टू है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि यहाँ पर जो एक्स है उसमें 5 असाइन हो रहा है, एंड ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरह काम कर रहा है। एंड इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं प्लस इक्वल टू को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ एक्स प्लस इक्वल टू एंड वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक कराऊ, मैं एक्स को यहाँ पे लॉक कराता हूँ, मैं इक्वल टू लगा देता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक्स को लॉक कराता हूँ, एंड उसी तरीके से इसके नीचे मैं लॉक कराऊ। तो आप लोग देखना हमारी एक वैल्यू आ रही है 5, एक वैल्यू आ रही है 11, यानी कि यहाँ हो क्या रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ये वाली आ रही है, यानी कि 5 प्रिंट हो रही है, एंड यहाँ पे जो 11 प्रिंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो इस ऑपरेटर की वजह से ये दोनों जो हमारी वैल्यूज है वो एड हो चुकी है। इसको मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली क्या है कि इसमें एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू ऐड कर दी जाए एंड एक्स में असाइन कर दी जाए, इतना ही यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पे माइनस होता है, तो आप लोग देखो यहाँ पे माइनस वन आया है। इसी तरीके से एस्ट्रिक में लगाता हूँ यानी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ एंड इससे डिवाइड हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 0.83333 आ रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड हुआ है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इसी तरीके से हम कुछ और ऑपरेटर्स को समझेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ यही लेट एंड जो हमारे एक्स एंड वाई है इसको ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड इनको अभी के लिए मैं कमेंट करता हूँ कि हम लोगों को कंसोल पे इसको नहीं देखना है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि नहीं, दो चीजों के बीच में वो कंपैरिजन करता है, यानी कि दो वैल्यूज को चेक करता है एंड जो ये रिटर्न करता है, यानी कि जो इसका आउटपुट होगा वो ट्रू एंड फॉल्स होगा। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लॉक करके मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर x इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 5 में लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखना हम लोगों को ट्रू प्रिंट ट्रू के आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या 5 है। अगर होती है तो हम लोगों को ट्रू मिलता है, अगर नहीं होती है तो हम लोगों को फॉल्स मिलता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दू 7, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 है ना कि 7। एंड इसी तरीके से ट्रिपल इक्वल टू होता है, तो आप लोग देखो ये फॉल्स आ रहा है, एंड अगर यहाँ पे मैं 6 कर दू
तब भी फॉल्स आ रहा है एंड यहाँ पर 5 कर दूं तो ट्रू आ रहा है। मैं ट्रिपल इक्वल टू को समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वाई ले लेता हूँ एंड इसकी वैल्यू मैं 5 कर देता हूँ एंड ट्रिपल इक्वल टू, अगर मैं एक्स डबल इक्वल टू वाई लिखता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में कर देते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू नंबर रहेगी एंड वाई की वैल्यू स्ट्रिंग रहेगी। तो आप लोग डबल इक्वल टू में देखो ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है ये समझते हैं हम लोग। देखो जो डबल इक्वल टू होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू चाहे नंबर हो या स्ट्रिंग हो एंड वाई की वैल्यू चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, अगर वो 5 है तो वो हम लोगों को ट्रू प्रिंट करके दे देगा, यानी कि यहां पर ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू है तो यहाँ पे वैल्यू तो चेक करता ही है एंड उसी के साथ यहाँ पे हम लोगों को डेटा टाइप भी चेक करके देता है एंड उसके बाद अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं तब ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो डबल इक्वल टू होता है वो सिर्फ एंड सिर्फ वैल्यू को चेक करता है एंड ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू के डेटा टाइप को भी चेक करता है। अगर एक्स की वैल्यू 5 है एंड वाई की वैल्यू 5 है एंड उसके बाद इसका डेटा टाइप भी सेम है यानी नंबर है, तभी हम लोगों को ट्रू यहाँ पे प्रिंट करेगा वरना फॉल्स करेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 को स्ट्रिंग कर दूं तो आप लोग देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डेटा टाइप भी सेम है एंड जो इसका वैल्यू है वो भी सेम है। तो मैं यहाँ से अभी के लिए इसको हटाता हूँ एंड इसको भी 6 करता हूँ एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और चीज समझाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं डबल इक्वल टू चेक कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है क्योंकि एक्स एंड वाई बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन जो कंपैरिजन कर रहा है लेकिन ये कह रहा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को ट्रू प्रिंट होके आ रहा है एंड उसी तरीके से यहाँ पे नॉट ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू होता है एंड यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, उसी तरीके से नॉट डबल इक्वल टू होता है जिसमें डेटा टाइप भी चेक होता है एंड यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है, यानी कि नॉट ऑपरेटर यहाँ पे लगा है कि नहीं होना चाहिए एक्स एंड वाई बराबर। अगर मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो बराबर है एंड इसी तरीके से मैं यहाँ पे समझता हूँ कुछ और ऑपरेटर्स को, यानी कि यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन लगाता हूँ तो आप लोग देखना यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है, फॉल्स, क्योंकि इसमें एक्स इज ग्रेटर देन वाई लगा हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर एक्स ग्रेटर देन होगा वाई के तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रू मिलेगा वरना फॉल्स मिलेगा। अब जैसे मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे कर दू 15 तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को ट्रू मिल रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है एंड उसी तरीके से यहाँ पे लेस देन होता है तो यहाँ पे देखो फॉल्स प्रिंट होके आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू मैं कम कर दूं तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा एंड इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू आप लोग देखो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है ट्रू। तो यहाँ पर दो वैल्यू चेक हो रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू वाई से छोटी होनी चाहिए या फिर एक्स की वैल्यू वाई के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आ रहा है। अगर ये इक्वल टू होता तब भी यहाँ पर ट्रू प्रिंट होके आता, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे बड़ी होती तो यहाँ पे हम लोगों को फॉल्स मिलता और मिल भी रहा है। तो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ यानी यहाँ पे 6 कर देता हूँ एंड उसी तरीके से यहाँ पे होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए वाई की। तो आप लोग यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है एंड अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इसी को हम लोग उठाते हैं एंड यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे अभी समझा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पर कुछ, अब ये एक कंडीशन होगी, बेसिकली एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई मैंने जो लिखा है वो एक कंडीशन है। तो कंडीशन का मतलब ये चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है या गलत है। तो उसी तरीके से जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसमें क्या करता है कि ये कंडीशंस को चेक करता है। अब कंडीशन में भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। अब देखो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ
एंड यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। तो ये एक कंडीशन हुई, तो यहाँ पर हम लोगों को फॉल्स मिल रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, एक एंड ऑपरेटर लगाता हूँ जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड और, एंड यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर होता है, ये एक हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। तो एक ये सिनेरियो हुआ, एक कंडीशन ये हुई, और एंड के बाद मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिखूंगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फॉल्स प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन है एक ये कंडीशन है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर ऑपरेटर क्या करता है कि इन दोनों कंडीशन को चेक करता है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी ये प्रिंट करेगा ट्रू, वरना ये फॉल्स प्रिंट करेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें दो कंडीशंस हैं, अगर इसमें की एक भी कंडीशंस फॉल्स होती है तो यहां पर हम लोगों को फॉल्स मिलेगा, एंड अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स मिलेगा, एंड अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू मिलेगा, वरना अगर एक भी कंडीशन इसमें फॉल्स होती है तो हम लोगों को यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेस देन लगाता हूँ एंड यहाँ पर भी लेस देन लगाता हूँ। तो आप लोग देखो ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, क्योंकि एक्स एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है एंड यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है, तो यहाँ पर ट्रू हम लोगों को प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन इसमें कि एक कंडीशन भी कंडीशन को भी मैं चेंज करता हूँ, यानी एक्स इज ग्रेटर देन वाई करता हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये जो एक्स इज ग्रेटर देन वाई है वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी कि फॉल्स होगी, तो यहाँ पर हम लोगों को फॉल्स मिल रहा है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है एंड दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर एक भी कंडीशंस फॉल्स होती है तो वो यहाँ पे फॉल्स बताएगा। एंड यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर होता है, इसमें क्या है, अगर इसमें कि जो दोनों कंडीशंस हैं अगर एक भी ट्रू होती है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, एंड अगर दोनों फॉल्स होती है तो फॉल्स, एंड दोनों ट्रू होती है तो ट्रू प्रिंट करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये ट्रू प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि इसमें की जो एक कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, एंड इसको भी अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूं, यानी कि ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आ रहा है। एंड उसी तरीके से यहाँ पे नॉट ऑपरेटर होता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को फॉल्स मिल रहा है, एक्स ग्रेटर देन नहीं है वाई के, तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो कंडीशन है इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसके आगे मैं क्या करता हूँ नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्स एंड वाई को अगर मैं ऐसे ही प्रिंट करूँ तो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जो नॉट ऑपरेटर होता है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, जो एक्स एंड ग्रेटर देन वाई है तो ये यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, एंड आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पर भी फॉल्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ तो ये क्या करता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है एंड ट्रू को फॉल्स कर देता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा था, फॉल्स। तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाने से इसने उसको ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रू मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है उसको भी समझ लिया है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशन समझा, असाइनमेंट ऑपरेटर समझे, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझा। आगे भी कुछ ऑपरेटर्स आएंगे, हम लोग उसको आगे जब देखेंगे तब उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोगों ने ऑपरेटर्स को समझा एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।